रूस यूक्रेन युद्ध को अब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये युद्ध और भी भयानक होता जा रहा है। रूस की सेना लगातार यूक्रेन पर भीषण हमले कर रही है और यूक्रेन के जिस खेरसोन इलाके को पिछले साल नवंबर 2022 में जेलेंस्की की सेना ने रूस से दोबारा छीन लिया था, अब उसी इलाके में रूसी सेना ने एक बड़ा हमला किया है और इस हमले के बाद जो खबर आई है वो किसी का भी दिल दहला कर रख दे। दरअसल खेरसोन इलाके में एक 23 दिन के बच्चे और उसके 12 साल के भाई और उसके माता पिता की मौत हो गई है, यानी कि रूसी हमले में एक पूरा का पूरा परिवार मौत के मुंह में समा गया। इसके अलावा इस हमले में ईसाई चर्च के एक पादरी और उनके साथियों की मौत हो गई। कुल मिलाकर रूस के इस हमले में 13 नागरिकों की जान चली गई है। वहीं खेरसोन के अलावा खार्किव के कुपियांस में भी लगातार भीषण बमबारी चल रही है। पहले तो खबर आई थी कि कुपियांस में यूक्रेनी सेना को रूस ने पीछे धकेल दिया है और वो पूरे शहर पर कब्जे की ओर बढ़ रहा है और इसी के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने इलाके के 12,000 आम नागरिकों को तुरंत कुपियांस से बाहर निकलने की सलाह दी थी और इसी कड़ी में पिछले 24 घंटों में 36 बच्चों समेत कुल 111 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। लेकिन इस सब के बीच ऐसा नहीं है कि यूक्रेन रूस पर जवाबी हमले नहीं कर रहा है, बल्कि यूक्रेन ने मॉस्को में घुसकर कई ड्रोन हमले किए हैं और रूस से लगते 1,000 किलोमीटर के बॉर्डर पर भी कई जगहों पर यूक्रेनी सेना और रूसी सेना में भिड़ंत हुई है और यूक्रेन पश्चिमी देशों के हथियारों और ट्रेनिंग के बल पर रूस को करारा जवाब दे रहा है। आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई पर यूक्रेन का कहना है कि उसने रूसी सेना के खिलाफ ज़ापोरिज़िया इलाके के एक प्रमुख गाँव के पास बड़ी सफलता हासिल की है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई काफी धीमी रफ्तार से चल रही है।